हाय फ्रेंड, मेरा नाम सुशील है। आप देख रहे हैं सुशील अनटेक। आज हम देखेंगे डीडी फ्री डिश में कैसे न्यू चैनल लाना है, पुराना चैनल को डिलीट करना है और ऑटो स्कैन करना है। चलिए देखते हैं। पहले पुराना चैनल को डिलीट करेंगे, ओके मेनू दबाएंगे, स्क्रॉल कर लेंगे, एडिट प्रोग्राम करेंगे। एडिट प्रोग्राम में डिलीट ऑल पहले करेंगे। डिलीट ऑल कर देने से हमारा पुराना चैनल डिलीट हो गया। फिर बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद प्रोग्राम सेटअप में जाएंगे। प्रोग्राम सेटअप के बाद हम पारा ऑटो स्कैन में जाएंगे। ऑटो स्कैन में जाने के बाद हमको फ्रीक्वेंसी चेक करके ओके दबाना है न्यू चैनल सर्च करने के लिए। इसके टीवी चैनल के साथ साथ ऑल इंडिया एयर के भी बहुत सारे चैनल आएगा। ये पुराना चैनल डिलीट हो गया, अभी न्यू चैनल जो भी है सब स्कैनिंग होके आ जाएगा। देखिए धीरे धीरे स्कैनिंग हो रहा है, सब चैनल भी दिख रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। देखिए ये वाला रेडियो चैनल है, ये वाला टीवी चैनल है। अभी हमारा सब चैनल हो गया, स्कैनिंग हो गया। हम बैक जाएंगे, ये 156 चैनल स्कैनिंग हुआ। हम एक नंबर में जाएंगे, ये आ गया हमारा न्यू चैनल सब। और आप चाहेंगे तो उसको एडिट प्रोग्राम में जाके, एडिट प्रोग्राम में जाके इसको मूव कर सकते, पसंदीदा चैनल को आगे पीछे कर सकते, जो आपका पसंद है उसको आगे पीछे कर सकते। उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको बैक लेके जाएंगे, उसको एक नंबर में रखना है तो एक नंबर सिलेक्ट करके ओके कर देना है। मान लीजिए आपका दूसरा चैनल डीडी इंडिया, डीडी इंडिया को मैं सिलेक्ट किया है, उसको एक नंबर पर रखना है तो उसको हम एक नंबर पर लेके जाएंगे, एक नंबर पर जाके ओके मार देंगे। वो डीडी इंडिया 33 नंबर चैनल से एक नंबर को आ गया। थैंक यू।